कहते हैं कि वो कोई इंसान है, तो सवाल ये है कि वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जानवर है, तो सवाल ये है कि क्या जानवर कैंची और ब्लेड लेकर घूमते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई गुमनाम साया है, डरावनी परछाई है, तो सवाल ये है कि कोई परछाई भला किसी के बाल कैसे काट सकती है। हमारा मानना है कि डर की इन कहानियों के पीछे सच्चाई नहीं, सिर्फ दिल का वहम है। इस वहम का इलाज बेहद जरूरी है, वरना अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आगरा में हुआ, वहां कुछ लोगों ने एक महिला को चोटी काटने वाली चुड़ैल बताकर मार डाला। चोटी कांड की अफवाहों का खूनी अंजाम, चुड़ैल के शक में बुजुर्ग महिला का मर्डर। वहम ने छीनी जिंदगी, चोटी कांड के वहम का इलाज करो। देश के अलग अलग इलाकों में महिलाओं की चोटी काटने का जो मामला सामने आ रहा है वो लगातार हिंसात्मक होता जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर को लेकर अब ये उत्तर प्रदेश के आगरा के डौकी इलाके में भी पहुंच चुका है। और यहां पर सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटना तब सामने आई जब एक महिला को इस वजह से पीट पीट कर मार डाला कि उसने चोटी काटने के लिए बाहर निकली है। आखिरकार डर के नाम पर फैल रही अफवाहों ने एक जिंदगी को खत्म ही कर डाला। आगरा के डौकी गांव में चुड़ैल होने के शक में 75 साल की बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बूढ़ा वो कह रही थी, बेटा बेटा तुमको हम जानते हैं और हमें भी तुम जानते हो, हम भूतनी भूतनी कुछ भी नहीं है। मतलब तो क्या उनको कुछ इस तरीके से बोला जैसे आपने कहा कि भूतनी है? हाँ, वो ऐसे ही बताया हमारी माँ ने। क्या कहा था उनको, क्यों मारा उनको? माँ तो यूँ कह रही थी कि मतलब चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रहे थे वो, और फिर चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने के बाद में मारा कूटा, और फिर एक जगह की बात नहीं है, तीन जगह पीटा उन्होंने। परिवार वालों की माने तो बुजुर्ग माना देवी रात के अंधेरे में शौच के लिए बाहर गई थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से आंखों की कमजोर रोशनी, बेचारी माना देवी रास्ता भटक कर दूसरी बस्ती में पहुंच गई। उस बस्ती में उन्हें कोई पहचानता नहीं था। इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये रही कि बुजुर्ग औरत के बदन पर सफेद साड़ी थी। बस्ती की एक लड़की ने सफेद साड़ी में आती बुजुर्ग माना देवी को देखा और उन्हें चुड़ैल समझकर शोर मचा दिया। एक तो गांव-गांव में चोटी कांड की अफवाहों की गूंज और ऊपर से रात के अंधेरे में चुड़ैल चुड़ैल का शोर, लोगों की अकल पर तो वैसे ही अंधविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ था। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग माना देवी को सफेद साड़ी में देखकर कुछ लोग खुद ये मान बैठे कि हो ना हो वो बुजुर्ग औरत ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है, और फिर अंधविश्वास में अंधे लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर एक बेबस और लाचार बुजुर्ग महिला को चुड़ैल समझकर मार डाला। अंधविश्वास का ये मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा है। ऐसी कुछ जानकारियाँ जो आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से गांव में ऐसी चल रही है और स्कीम के बारे में तहकीकात की जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
वही हैरानी की बात ये है कि जिस परिवार पर माना देवी को पीटने का आरोप लगा है उन्हें अपने गुनाह का एहसास तक नहीं है। पछतावा तो दूर की बात है। 2 बजे रात की आएगी, हम यहाँ सो रहे तो माई एकदम पेटिया पहला गिरी तो एकदम हमने गिरी बंद की मारी बात नहीं आई हमने एकदम हमने भूतरी आई भूतरी अल्लाह रहा है। सुना आपने प्रकाशी देवी नाम की ये महिला क्या कहानी सुना रही है। अपने कटे हुए बाल दिखाते हुए ये महिला दावा कर रही है कि 75 साल की बुजुर्ग महिला माना देवी ने ही इनके बाल काट दिए थे। इस महिला का पूरा परिवार एक अंधविश्वास और वहम की वजह से हत्या जैसे संगीन इल्जाम से घिरा हुआ है। शायद इसीलिए ये लोग अब चुड़ैल की कहानी सुनाकर कानून से बचना चाहते हैं। हालांकि इस गांव की कुछ महिलाओं और ग्राम प्रधान का दावा है कि उनके गांव में चोटी काटने की एक भी घटना अभी तक नहीं हुई है। जो आपका पूरा ये गांव है, क्या यहां पर इस तरह की कोई घटना सामने आई है कि महिलाओं ने शिकायत की हो कि उनके बाल कोई काटे, उनकी चोटी काटे? आज तक किसी की कोई शिकायत नहीं। चोटी काटने वाली चुड़ैल के नाम की अफवाह और लोगों के दिल में बैठे वहम ने गाँव की एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी छीन ली। मतलब साफ है कि इन अफवाहों पर ब्रेक लगना बेहद जरूरी है। अगर ये अफवाहें थमी नहीं तो अंजाम और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। आगरा के मांगरौल गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर महिला के चोटी काटने का मामला सामने आया था। इसके बाद से इस गांव में क्या हाल है इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज आया है। रात के इस वक्त लगभग 10:30 बज रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पूरे गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने अपने घरों में ताले शुरू कर दिए हैं लगाने। आगरा का ये इकलौता गांव नहीं जहां चोटी काटने वाली चुड़ैल की दहशत फैली हुई है। इससे कुछ ही किलोमीटर दूर आगरा और राजस्थान की सीमा पर बसे मांगरौल गांव में भी रहस्यमय हालात में चोटी काटने का दावा किया जा रहा है। ये दावा किया है मिथिलेश नाम की महिला ने। मैं चाय बना रही थी 3:30 बजे, मैं जिंदन हो रही, मैं चाय बना लाऊं, तो मैं चाय बना गई तो मेरे एकदम दिमाग में दर्द हुआ, तो दर्द बेहोशी हो गई, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, बेहोशी हो गई। तो वो जो बाल हैं आपके जो आपको काट दिए गए वो कहाँ है, क्या वो भी गायब हो गए? गायब है, पाए नहीं है। तो आपके घर के अंदर कोई कैसे आ गया आपको पता नहीं चला? नहीं। इस गांव में चोटी कांड की पड़ताल करने पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने महिला से पूरी घटना को समझने की कोशिश की। नहीं तो दर्द होता है, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, अभी मैंने दवाई गोली ली है तब इनते कोई भावा नहीं है। तो जब आप अंदर गई चाय बनाने के लिए, सब लोग बाहर बैठे हुए थे, तो जब अंदर गई तो आपको लगा कि कोई इंसान पहले से यहाँ पर मौजूद है? कछु नहीं। कोई किसी ने मारा आपके सर पे? कछु नहीं, मारा नहीं आपके सर पे, सिर्फ बाल काट दिए, उसके बाद आपको बेहोशी आ गई, लेकिन आपको पता नहीं चला कि किसने काटे? नहीं, आपने शक्ल भी नहीं देखी? कछु नहीं। गाँव वाले अब रात रात भर पहरा देते हैं। हमारी टीम ने जितने भी लोगों से बातचीत की उनकी जुबान पर दहशत और खौफ के किस्से थे। आप लोग अभी भी जग रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, क्या डर का माहौल है इस पूरे? डरवा बहुत ज्यादा। आप बताइए डर का माहौल है यहाँ पर? जी, आप बताइए का माहौल बना हुआ। विशेष तरह लेडी तो बहुत डरी हुई है, कहीं हमारी चोटी करने जाए, सभी महिलाओं में डर है। वो घर से बाहर निकल रही है दिन के समय भी? घर से बाहर वो अकेली नहीं जा रही, उन्हें डर लगा हुआ है, जा रही है तो गुट बना के जाती है, 2-4 मिल के जाती है। क्या ये मुमकिन है कि सोते वक्त किसी महिला के बाल कट जाएं और उसे पता भी ना चले? क्या कैंचे या ब्लेड के बगैर ही कोई शख्स मंत्र फूंक कर किसी के बाल काट सकता है? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने खुद मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हबीब से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हबीब जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ महिलाओं ने ये दावा किया है कि रात के अंधेरे में एक साया आता है या कोई शैतान आता है और उनके चोटी काटकर वहां से चला जाता है। बाल हमारे हिंदुस्तान के अंदर औरत के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है उसके बाल होते हैं, और अगर आप
अनपढ़ लोगों में जाते हैं या दूसरे गरीब लोगों में जाते हैं, उनके लिए बाल उनका बहुत बड़ा अतिया होता है। एज लॉन्ग एज द क्वेश्चन वो ये बात करते हैं कि अगले दिन उनको चक्कर आ रहे हैं, जो ये भी बात मेरे को नज़र नहीं आता है कि इसमें कुछ ऐसा होता है, बिकॉज हमारे शॉप में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि एक औरत के लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है कि उसके बाल एकदम कट गए, जबकि उसने कोई ब्यूटी शॉप में नहीं गई, कोई स्टाइल नहीं बनवाया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक होता है। तो आई थिंक ये साइकोलॉजिकल शौक होता है। बाल जब चोटी काटते हैं तो किस तरीके की सिजर जो होती है हमारी कैची, किस तरीके की कैची इस्तेमाल की जाती है, कितनी बड़ी कैची होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं। धार कितनी होनी चाहिए? देखिए, हम लोग जो सीजर से बाल काटते हैं वो एक ये टाइप की सीजर होती है। जी जी, इसमें बड़ी शार्प तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी थिक बालों को एक साथ नहीं काट सकती है। उसके साथ साथ जो आदमी प्रिपेयर हुआ है इसके लिए कि मैंने ये काम करना है, जाहिर उसको पता लगे कि इसको पता भी ना लगे और बाल एक चॉप में कट जाए, उसमें आप ये देखें कि दो टाइप की सीजर है। जो ये ऐसी कैची है जो घर में लगभग हमारे घर ज्यादातर कपड़े काटने की होती है या फिर स्ट्रॉन्ग चीज काटने के लिए होती है, तो ज्यादातर ये सीजर होती है और इससे बड़ी सीजर होती है वहां पर। टेलर की जो सीजर होती है वो इससे बड़ी होती है, एक चॉप में काट देती है। जिन महिलाओं के बाल कट रहे होते हैं, क्या जब वो सो रही होती है उनको महसूस होता है कि उनके बाल कट रहे हैं? और अगर तरीके से काटे गए हैं तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना, देखिए मैंने बालों को प्रेशर नहीं दिया, नीचे की नहीं खींचा, मैंने इसको ऊपर उठा के यहाँ से काट दिया, इनको पता भी नहीं लगेगा जी, तो जाहिर है कि पता नहीं लगेगा उनको। तो जैसे आपने हबीब साहब को सुना, उनका ये कहना है कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, महिलाओं को सिर्फ एक शॉक लगा हुआ है जिसकी वजह से उनको चक्कर आना, सर में दर्द होना, ये सब महसूस होता है, लेकिन भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। और वो इस बात को कह रहे हैं और दावे से कह रहे हैं कि ये किसी इंसान का ही करना है, ये किसी भूत प्रेत का या किसी आत्मा का काम नहीं है। महिलाओं की चोटी काटने वाले शैतान के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। खुद को चोटी कांड की शिकार बताने वाली महिलाएं दहशत की अलग अलग कहानियां सुनाती हैं और दहशत के किस्से हवा के साथ उड़कर एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच जाती हैं। सवाल यह है कि अफवाहों पर ब्रेक कब लगेंगे? इस वहम का इलाज बेहद जरूरी है। चोटी कांड की चपेट में पांच राज्य, यूपी। मैं चाय बना रही थी 3:30 बजे, मैं जिंदा हो रही हूँ, चाय बना लाऊ, तो मैं चाय बना गई तो मेरे एकदम दिमाग में दर्द हुआ, तो दर्द है बेहोशी हो गई, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हरियाणा। रात को कटा जी, मैं तो सुबह पता लगा है, उसने जगाई जब भी मेरे को पता नहीं था। कटते समय बाल किसी ना, मेरे को नहीं पता किसी चीज का ही पता कोई मेरे को। दिल्ली। क्या हुआ, आप भी अपने घर से निकला है? देखना कोई मिल जाए। कोई मिल जाए मतलब किसको? पता नहीं, अफवाह फैली हुई, चुड़ैल चुड़ैल कुछ है तो नहीं, आप अभी देख ही रहे हैं, मिल जाए कुछ। मध्य प्रदेश। राजस्थान। समय मैं खाना खा रही थी, खाना खा के बर्तन धोने के लिए बाहर गए, बाहर से वो वापस घर में आ रही थी, तो मुझे ऐसा पता नहीं चला कि पीछे से कोई धक्का दिया या मेरे साथ क्या हुआ, नीचे गिरने के बाद मुझे कोई खबर नहीं चला, फिर वो नजर गए एकदम से कि भाई भाभी जी के बाल काटे। शहर शहर चोटी कांड की दहशत। ये सभी महिलाएं खुद को चोटी कांड का शिकार बता रही हैं। इन महिलाओं की कहानियां तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन दावे थोड़े अलग अलग हैं। मसलन किसी ने कहा है कि चोटी कटने से पहले अचानक सर में तेज दर्द हुआ था। कोई महिला कहती है कि वो अचानक बेहोश हो गई थी, जब होश में आई तो सिर के बाल कटे हुए थे। ये वो महिलाएं हैं जिनकी कहानियां सिर्फ इनके घर, इनके गांव या इनके शहर तक सीमित नहीं रही,
बल्कि पूरे इलाके में फैल गईं। कई कहानियां तो अफवाह बनकर एक राज्य से दूसरे राज्यों तक पहुंच गईं। इन सभी महिलाओं की कहानियों और इनके दावों को जब हमने वैज्ञानिक तर्कों की कसौटी पर परखा तो हर कहानी सवालों के घेरे में नजर आई। मनोचिकित्सकों की राय में चोटी कटने वाली तमाम कहानियों के पीछे कोई चुड़ैल या गुमनाम साया नहीं बल्कि मन का वहम है। मथुरा के इस परिवार ने महिला के कटे हुए बाल अभी तक सबूत के तौर पर संभाल रखे हैं। मनोचिकित्सकों की राय में सबूत के तौर पर बाल संभाल कर रखना ही इस पूरी कहानी को शक के दायरे में लाता है। तर्क ये है कि जिस भी चीज के साथ कोई डर जुड़ा होता है उसे हम घर से बाहर फेंक देते हैं, संभाल कर नहीं रखते। बहुत ज्यादा घबराए हुए लोगों के ब्रेन पर लोड पड़ रहा है, दिमागी रूप से घबराहट है, बेचैनी है। उसके बाद इस तरह के केसेस में अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी फियर है और आपके अंदर विश्वास है कि ऊपरी होती है, भूत होता है, कुछ होता है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। इस केस में अभी तक हमारे को जो एक ही चीज़ अजीब लग रही है वो ये है कि वो इस घर में लोग कह रहे हैं कि इनके घर में कैंची नहीं है। कमोबेश ऐसे ही सवाल जोधपुर की इस महिला की कहानी पर भी उठे हैं। इस महिला का दावा है कि कई दिन पहले किसी ने सामने की तरफ से इनके बाल काट दिए थे। मनोचिकित्सक की राय में ये एक बीमारी होती है जिसमें मरीज खुद ही अपने बाल नोच लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। समय में खाना खा रही थी, खाना खा के बर्तन धोने के लिए बाहर गए, बाहर से वो वापस घर में आ रही थी, तो मुझे ऐसा पता नहीं चला कि पीछे से कोई धक्का दिया या मेरे साथ क्या हुआ। नीचे गिरने के बाद मुझे कोई खबर नहीं चला, फिर वो नजर गए एकदम से कि भाई भाभी जी के बाल काटे। डॉक्टरों की माने तो साफ है कि चोटी कटने की घटनाएं वहम और डर से ज्यादा कुछ नहीं। जिस जिस महिला ने चोटी कटने की कहानी सुनाई है उसे मेडिकल जांच और काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। चोटी कांड के वहम का इलाज करो। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इन अफवाहों को फैलने से रोके। जिन लोगों के दिल में कोई डर या वहम बैठ गया है वो अपने वहम का इलाज कराएं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।